प्राणी का खुद जांच से संतुष्ट नहीं होना। तो मेरा सवाल पुलिसिया एंगल की ओर है, पुलिसिया कार्रवाई की ओर है, क्या पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही है? सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है उनमें जो संदिग्ध है वो साफ साफ नजर आते हैं। बॉडी बरामद कर रही थी वो पुलिस गई थी, उस समय 38 पाउच बरामद हुए थे जो पॉलिथीन देसी दारू जिसे कहा जाता है। कासिम अंसारी का बेटे का कहना है कि मेरे पिताजी से जबरन पुलिस ने आरोप जो है कबूल करवाया है, मेरे पिता ने हत्या नहीं की है बल्कि टॉर्चर के बाद ये आरोप जो है कबूल करवाया गया है। आरोपी की जो पत्नी है वो ये इतने दावे के साथ कहती है कि वहाँ गांजा सिगरेट और दारू खुले हम उनके पिताजी बेचते थे। तो क्या लगता है कि पुलिस जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है? छोटा मोटा अपराध नहीं है, एक बड़े राजनेता के पिता की हत्या हुई है और वैसे राजनेता की जिसके पिता की हत्या के बाद खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह फोन पर मुकेश सहनी से बात करते हैं। वो स्वतंत्र ख्याल के बुजुर्ग थे और अपने बच्चों का हस्तक्षेप पसंद लाइफ में नहीं करते थे। कासिम अंसारी जो मुख्य आरोपी है उसके पत्नी का, पत्नी ने ये दावा किया है कि जो जीतन सहनी थे वो गांजा भांग शराब सब बेचते थे। देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर पुलिस जो है कासिम अंसारी सहित 3 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस ये कह रही है कि हमने केस को सॉल्व कर लिया है। और पहले दिन जो मामला सामने आया था कि सूद पर पैसा दिया गया था जीतन सहनी के द्वारा जिसे लौटाने में वो असक्षम था और विवाद हुआ और विवाद के बाद जीतन सहनी की हत्या हो गई, लेकिन अब उसमें 2 नए एंगल सामने आ रहे हैं और दोनों एंगल पर चर्चा करना जरूरी है। पहला एंगल ये है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है उन्होंने खुद पुलिसिया एंगल पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुकेश सहनी का कहना है कि मेरे पिताजी सूद पर पैसा नहीं लगाते थे, पुलिस जल्दबाजी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तमाम एंगल जो है उन्होंने कहा है कि डीजीपी से इस मामले की फिर से जांच करवाई जाए, थोड़ा देर लगे लेकिन सही आरोपी पकड़े जाए। दूसरा एंगल ये सामने आ रहा है कि जो कासिम अंसारी जो मुख्य आरोपी है उसके पत्नी का, पत्नी ने ये दावा किया है कि जो जीतन सहनी थे वो गांजा भांग शराब सब बेचते थे और चाचा और भतीजे का रिश्ता था मेरे पति और जीतन सहनी जी में, वो जीतन सहनी की हत्या कर ही नहीं सकते हैं मेरे पति। वहीं कासिम अंसारी का बेटे का कहना है कि मेरे पिताजी से जबरन पुलिस ने आरोप जो है कबूल करवाया है, मेरे पिता ने हत्या नहीं की है बल्कि टॉर्चर के बाद ये आरोप जो है कबूल करवाया गया है। तो देखिए 3 एंगल सामने आया है, एक जो पुलिस कह रही है, दूसरा जो कासिम अंसारी की पत्नी कह रही है और तीसरा मुकेश सहनी जो खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी सूद पर पैसा नहीं लगाते थे, मेरे पिता हेल्पफुल नेचर के थे, पुलिस जल्दबाजी में दोषियों पर नहीं बल्कि निर्दोष पर कार्रवाई कर रही है। अब हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी समझेंगे। बबीता जी क्या लग रहा है ऐसा कि चूंकि एक बड़े नेता के पिता की हत्या हुई और गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इस मामले को लेकर स्तब्ध हुए, पुलिस प्रशासन पे प्रेशर पड़ा और पुलिस प्रशासन जो है एक अलग एंगल में जांच कर रही है और जो 2 एंगल सामने आए हैं, एक शराब गांजा और तमाम चीजों का और जो कासिम अंसारी की पत्नी कह रही है और दूसरा जो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए पिता और पुत्र का रिश्ता, मैंने पहले ही कहा कि कम्युनिकेशन गैप होने के वजह से कभी कभी जो पिता कार्य करते हैं वो पुत्र को पता नहीं चलता जी। तो जिस तरीके से आप मुकेश सहनी अभी कह रहे कि मेरे पिता ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि उनको वो रहते कितना थे, अब जब वो जाते होंगे तो वो इन सब चीजों को बंद कर देते होंगे। और जैसे कि जिस आरोपी की पत्नी ने कहा कि वो दारू बेचते थे, दारू गांजा भांग, दारू गांजा भांग, तीनों का वो कहा कि भांग बेचते थे, तो देखिए आरोपी की जो पत्नी है वो इतने गंभीर आरोप उन पर क्यों लगाएगी और वो भी इतना विश्वास के साथ। जाहिर सी बात है वो खुद ही कहती थी कि बिरयानी हमारे यहाँ से जाता था उनके खाने के लिए।
जी उन्होंने एक मीडिया कर्मी को बयान दिया है कि बिरयानी के लिए उनके पिता जो थे मुकेश सहनी के पिता जीतन वो उनसे सहनी कहते थे और जीतन सहनी उनसे बिरयानी मंगवाते थे खाते थे। तो रही बात देखिए वो स्वतंत्र ख्याल के बुजुर्ग थे और अपने बच्चों का हस्तक्षेप पसंद लाइफ में नहीं करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे अगर वहाँ जाते भी है, यानी कि मुकेश सहनी जो आज विपक्ष के नेता है, जब वो वहाँ जाते थे तो हो सकता है कि अपने बच्चों को देख करके वो काम 2-3 दिन के लिए बंद कर देते हो। बच्चे तो बाहर रहते हैं, बच्चे और जब आप पिता से कम बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप उनके दिल की बात को नहीं जान पाइएगा। कम्युनिकेशन गैप थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज और सामने आ रहा है कि देखिए एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होती तो वो अलग नहीं रहते, अकेले अपनी जिंदगी नहीं बिताते। सबसे बड़ी बात तो और बेटे बेटे जो है मुकेश सहनी, उनकी जो आपने देखा होगा कि सरकार में उनका कितना हस्तक्षेप रहा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और वो अपने अगर वो पिता के बहुत करीब होते, जैसे लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि अगर पिता के बहुत करीब होते तो पिता अकेले रह रहे थे तो कहीं ना कहीं पिता के लिए बॉडीगार्ड तो जरूर रख देते ना। 70-75 साल का बुरा व्यक्ति है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है और उनके उनको समझ में आ रहा है तो अगर उनको पता नहीं है फिर भी एक बुजुर्ग की रक्षा उनके बच्चे ही करते हैं, ना कि आस पड़ोस के लोग करते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो लापरवाही दिखती है। नहीं बबीता जी, मैं थोड़ा पुलिस के अंदर बजाना चाहता हूं के लिए नहीं है, वो सभी पेरेंट्स जो आज अकेले रहते हैं, जो अपनी जिंदगी से तंग आकर के आदाब सनाब कार्य में लिप्त रहते हैं, उनका टाइम पास नहीं होता है और दूसरे के खाने पीने दूसरे के घर के भरोसे वो रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं ठीक है बबीता, नहीं बबीता जी ठीक है, मैं देखा ये बिहार में पहली कांड नहीं है। नहीं ठीक है बबीता जी, मैं थोड़ा दूसरा मैं दूसरे सवाल की ओर जाना चाहता हूँ। ठीक है वो मुकेश सहनी के पिता और उनके बीच में कम्युनिकेशन था या नहीं था वो तो अलग विषय है, मेरा सवाल ये है कि जब वहां पर जांच चल रही थी जिसमें जीतन सहनी का बॉडी बरामद कर रही थी और पुलिस गई थी, उस समय 38 पाउच बरामद हुए थे जो पॉलिथीन देसी दारू जिसे कहा जाता है, तो क्या पुलिस बरामद हुए थे? जी 38 पाउच बरामद हुए थे, खाली पाउच तो क्या? और अब उसके बाद ये कासिम अंसारी के पत्नी का ये बयान या मुकेश सहनी का खुद जांच से संतुष्ट नहीं होना, तो मेरा सवाल पुलिसिया एंगल की ओर है, पुलिसिया कार्रवाई की ओर है, क्या पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही है या पुलिस इस दिशा में क्यों नहीं जांच कर रही कि 38 पहुंच खाली पहुंच कैसे आए, या मुकेश सहनी अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है, या महिला जो ये कह रही है दावा कर रही है कि मेरे पति उस रात को मेरे साथी थे, घर में मौजूद थे और पिता और भतीजा वाला संबंध था, तो तमाम जो ये बयान है तो क्या लगता है कि पुलिस जल्दबाजी में कार्रवाई कर रही है या पुलिस को इस ये तमाम एंगल पे भी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो हत्या हुई है, असली हत्यारे सलाखों के पीछे होने चाहिए, ऊपर से एक बड़े नेता के पिता की हत्या। देखिए जहां तक बात आती है तो पुलिस पे हम सब और हम अपनी बातों को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उनमें जो संदिग्ध है वो साफ साफ नजर आते हैं। और रही बात जो आरोपी की जो पत्नी है वो ये इतने दावे के साथ कहती है कि वहाँ गांजा सिगरेट और दारू खुले हम उनके पिताजी बेचते थे, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी के जो पिता थे वो पहले क्या थे, ऑफकोर्स वो एक गरीब घर से थे और उन्होंने संघर्ष भरा एक लाइफ देखा, राइट, और उन्होंने उस वक्त आज शराबबंदी हो गई है बिहार में, लेकिन आज से 15 साल पहले तो शराबबंदी नहीं थी। जो लोग अगर शराब बेचते होंगे या फिर मऊआ या पौआ जैसे दारू का गांव में आप आए दिन आप देखते हैं कि लोग बना करके और गांव के लोग जो है उनके घर में जा करके पीते हैं, ये आम चीजें आपको देखने को गांव में मिल जाएगी। और
आज मुकेश सैनी जो चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनने अपनी कहीं ना कहीं सहभागी और एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इनके पिता की जो जिंदगी है वो गरीब से उठी हुई जिंदगी है। उनको बच्चों से और बच्चों के स्टेटस से उनको कोई मतलब नहीं है, समझने की जरूरत है जी। और जो वो कार्य करते थे वो कार्य कोई नहीं छोड़ सकता। आप देखिए, छोटी सी उदाहरण मैं दूं कि अगर मैं बचपन से कोई काम कर रही हूँ और वो काम मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मैं कलाकार हूँ और वो कलाकारी मुझे बचपन से हमने गरीबी में की और वो कलाकारी मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये गांव के लोगों के अंदर वो बातें रहती है, भाई मेरा बेटा कुछ भी हो जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, पर हम जमीन से जुड़े हुए थे, हम ही काम करते थे, हम ही काम करके ही रहेंगे। और चूंकि वो एक बोलिया इंसान थे जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने बच्चों से दूर रह करके अकेले रहते थे और वो अपने लोगों में खुश थे। जाहिर सी बात है कि दारू बेचे या ना बेचे, जिस तरीके से आरोपी की पत्नी ने वो चीख चीख के बोली है कि भाई हमारे यहाँ से बिरयानी जाता था, हम मतलब चाचा भतीजा का रिश्ता था, ये कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस से एक सवालिया निशान लगती है और पुलिस भी फूक फूक के कदम उठा रही है और CCTV कैमरे में जो भी कैद हुए संदिग्ध उसकी पूछताछ कर रही है। तो प्रशासन सारी बातें कहीं ना कहीं मीडिया में नहीं लाना चाहती है, वो समय का इंतजार कर रही है और जब समय आएगी तो कहीं ना कहीं आरोपी भी पकड़े जाएंगे। अगर वो आरोपी नहीं है तो हमें लगता है कि वो जिस तरीके से अंदर गए हैं उसी तरीके से बाहर भी चले आएंगे। अगर वो आरोपी है तो फिर कानून काम करता है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। लेकिन देखिए, हम क्या बता रहे हैं अपने दर्शकों को, हम हर एक एस्पेक्ट हर एक एंगल रख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, एक बड़े राजनेता के पिता की हत्या हुई है और वैसे राजनेता की जिसके पिता की हत्या के बाद खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह फोन पर मुकेश सहनी से बात करते हैं।